व्हाट इज प्रेजुडिस? किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में फैक्ट्स को जाने बगैर नेगेटिव ओपिनियन या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेना, इसे कहते हैं प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस की मल्टीपल रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, रेस की वजह से प्रेजुडिस होता है, एज की वजह से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, रिलीजन की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से या कल्चर की वजह से प्रेजुडिस होता है। तो प्रेजुडिस में हम किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं फैक्ट्स को जाने बगैर। फॉर एग्जांपल, हमारा ये ओपिनियन है कि ओल्ड पीपल आर इनकॉम्पिटेंट, कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। तो ये प्रेजुडिस है कि हमने फैक्ट्स और फिगर्स को जाने बगैर, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किए बगैर, हमने नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव ओपिनियन डेवलप कर लिया, ये है प्रेजुडिस। अब इसकी एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि पुलिस शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। अब इसका मतलब यह है कि जब पुलिस किसी इंडिविजुअल को पकड़ती है तो उसे पहले से उस इंडिविजुअल के बारे में नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव ओपिनियन को डेवलप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो बायस्ड होगी, ठीक है, वो फेयर नहीं होगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। जज शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। जब कोर्ट में किसी इंडिविजुअल का ट्रायल हो रहा होता है तो वहां पे जज को फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जज उस इंडिविजुअल के बारे में पहले से नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव परसेप्शन को डेवलप नहीं करेगा, और अगर जज उस इंडिविजुअल के बारे में नेगेटिव परसेप्शन को डेवलप कर लेता है तो जज का जो डिसीजन होगा वो बायस्ड होगा। तो प्रेजुडिस का मतलब यह है कि जब हम किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में फैक्ट्स को जाने बगैर नेगेटिव ओपिनियन या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, इसे कहते हैं प्रेजुडिस।